एक्सरसाइज 4.3 देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। अब इसमें ध्यान दीजिए कि साइड के अलावा क्वाड्रिलेटरल में आपके एंगल्स भी इन्वॉल्व है, यहां पर एंगल्स भी दिख रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले आपको बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल मोर, MORE मोर। तो इसमें सबसे पहले एमओ दिया हुआ है, तो एमओ बना लीजिए पहले, ये यहां से यहां तक एमओ, ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब आपको एक एंगल आर बनाना है 105 डिग्री। कैसे बनाएंगे इसको? रेडियस आपको लेना है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ओ आर, ओ आर मिला है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। ओ लीजिए, ओ पे रखिए पॉइंटर, और उसके बाद यहां पर एक आपको ओ आर बनाना है 4.5, ये आपने 4.5 बना लिया। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल 105 इस जगह पे, मतलब 105 तो यहां पे करना था, 105 यहां पर नापिए, 105 यहां नाप के आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन बना के इसको कितने से काट लेंगे, 4.5 से। अब आपको यहां स्ट्रेट लाइन मिल गई है, फिर से 105 एंगल बना दीजिए, आप डिग्री से नाप सकते हैं, और फिर इसको आगे खींच दीजिए। ओके, ये बन जाएगा आपका आर ई। अब यहां एम पर आइए, यहां 60 डिग्री बनाइए, 60 डिग्री बनाइए और इसको आगे खींच दीजिए, ये इंटरसेक्ट हो जाएगा ई पे, अब सबको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये इस तरीके से बनेगा। अगला है आपका एक क्वाड्रिलेटरल प्लान, प्लान बनाना है। कुछ लेंथ दी हुई है, साइड दिया हुआ है, तो जैसे अगर हमें, हमारे पास तीन एंगल दिए हुए हैं, 90, 110, 85। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम, अंदर का अगर इंटीरियर एंगल का सम किया जाए तो 360 डिग्री होता है। तो अगर हमको एंगल एल निकालना है, क्योंकि एक एंगल नहीं मिल रहा है, पी एन तो है, एल नहीं मिल रहा है, तो एल को कैसे निकालेंगे आप? एल को निकालने के लिए आप 360 से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, 90, 110 और 85 को जोड़ेंगे और 360 से माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ेंगे 285 आएगा, इसको 360 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। ओके, अब चारों एंगल आपके पास आ गए। सबसे पहले पीएल बना दीजिए, वो आपको मिला हुआ है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब कंस्ट्रक्ट करना है एंगल 90 डिग्री। पी पे आइए, आप पूरा यहां पर पॉइंटर रखिए, इस तरीके से आर्क बनाइए, यहां से आर्क लेके पहले काटिए, यहां से आर्क लेके दूसरा काटिए, उसके बाद यहां से एक बाइसेक्टर, यहां से एक बाइसेक्टर, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। 90 डिग्री बनाने का तरीका ये है। 75 डिग्री कैसे करेंगे? 75 डिग्री यहां से, 75 डिग्री भी आपको आता है क्योंकि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, 75 डिग्री यहां बनाइए और 75 डिग्री को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एल से नाप के 6 यहां पर काटेंगे, 6, ये 6 आपको मिल जाएगा, तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको 6। अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां से आपको 110 डिग्री बनाना है, ये 110 डिग्री बनाना है, यहां से 110 डिग्री बनाएंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, और जहां पर ये इसे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका एंड पॉइंट हो गया, तो सारे आपको पॉइंट मिल गए। इस तरीके से आप बनाएंगे इसको। नेक्स्ट है आपका एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, 85 85 के इक्वल होगा या 95 95 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। सबसे पहले हम एच ई बनाएंगे, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो एच ई हमने बना दिया 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको बनाने के बाद हम यहां पर एक 95 एंगल क्रिएट करेंगे, एच से 95 U क्रिएट करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। हमारे पास साइड कितना है, साइड है 6, यहां से 6 का आर्क काट देंगे, ये 6 बन गया। ये 6 बनने के बाद आप क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे यहां पर ई, ई कैसे, ई बनाएंगे आप 85 डिग्री, और यहां से 6 लेके काट देंगे। आपको जो ये दो पॉइंट मिले, यहां से आपने इसको किया कट किया, इसको यहां से यू कट किया, तो ये दोनों जॉइन को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे आपका हेयर बनेगा। अब रेक्टेंगल बनाना है, ओके, रेक्टेंगल आपको बनाना है, ओके, ओके के लिए कैसे बनाएंगे, ओके आपका होगा 7 सेंटीमीटर, यानी पहले तो आप 7 सेंटीमीटर बना लीजिए। रेक्टेंगल बहुत आसान है क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ 90 डिग्री बनाइए, यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दीजिए। आपको पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ से एक साइड 5 है, एक साथ 7 है, 7 तो बना चुके, यहाँ से 5 काट दीजिए, यहाँ से भी 5 काट दीजिए और इस दोनों को जॉइन कर दीजिए, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये तरीका है आपका एंगल के साथ क्वाड्रिलेटरल को बनाने का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।